नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट चुगा टिक का एक फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को BSNL का 5G लॉन्च के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, BSNL 5G को लेकर हमारे पास BSNL ऑफिस की तरफ से बहुत सारे अपडेट जो आए, जिसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं एक एक करके बताने वाला हूँ कि BSNL का 5G सर्विस आपको काफ़ी तक देखने को मिलेंगे और इसी के साथ साथ BSNL 5G सर्विस लॉन्च करने के लिए BSNL अभी क्या कुछ स्टेप अभी ले रहा है और BSNL 5G सर्विस लॉन्च करने के लिए BSNL को क्या क्या स्पेक्ट्रम प्रोवाइड किया गया है, आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप एक BSNL के ग्राहक है, आप भी BSNL के 4G के साथ साथ BSNL 5G का वेट कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आप लोग शुरू से लेकर तक देखते रहे। आज का इस छोटे से वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ BSNL 5G से रिलेटेड और BSNL 4G से रिलेटेड। तो आज की जो वीडियो आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए अगर आप एक BSNL के ग्राहक है। तो फिर चलिए वीडियो में इसके आज का इस छोटे से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया के अंदर जियो ने उनका 5G सर्विस लॉन्च कर दिया, एयरटेल ने उनका 5G सर्विस लॉन्च कर दिया है, वीआई ने उनका 5G टेस्टिंग को कंप्लीट कर दिया, लेकिन अभी तक 5G सर्विस को लॉन्च नहीं कर पाए इंडिया के अंदर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वीआई का फाइनेंशियल कंडीशन अभी बहुत ही ज़्यादा खराब चल रहा है, जिसकी वजह से अभी कंपनी 5G सर्विस लॉन्च नहीं कर पाए, लेकिन उनका भी 5G आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। दोस्तों, आज हमारे पास BSNL 5G से रिलेटेड हमारे पास BSNL तरफ से ऑफिशियल अपडेट है कि अभी BSNL जो है बहुत ही जल्दी उनका 5G सर्विस को लॉन्च करने जा रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट के पास BSNL ने एक रिक्वेस्ट भेजा है और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि अभी BSNL 5G सर्विस लॉन्च करने के लिए BSNL को जो भी यहाँ पर स्पेक्ट्रम एलोकेट किया गया है उसका यहाँ पर डबल दिया जाए BSNL को, जिसकी वजह से BSNL का 5G काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको पावरफुल इंटरनेट आपको प्रोवाइड कर पाएगा BSNL 5G के अंदर। दोस्तों, BSNL 5G के अंदर अभी क्या कुछ चीज़ हुआ है अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कितना स्पेक्ट्रम दिया गया है और अभी क्या कुछ चीज़ अभी हुआ है BSNL 5G से रिलेटेड। तो वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखते रहे, आपको सही इन्फॉर्मेशन में अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, आप पर ध्यान से सुनिए वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सरकार का जो मिनिस्ट्री है, यहाँ पर देवेंद्र सिंह चौहान, उन्होंने लोकसभा के अंदर बात किया था कि BSNL जो है गवर्नमेंट से अभी रिक्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट से यहाँ पर मांग किया है कि BSNL 5G के लिए BSNL को जो भी यहाँ पर स्पेक्ट्रम दिया जा रहा है उसको यहाँ पर डबल यहाँ पर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जब यहाँ पर 5G का स्पेक्ट्रम का ऑप्शन हुआ था तब यहाँ पर जियो ने 5G स्पेक्ट्रम के अंदर पार्टिसिपेट किया था, एयरटेल ने किया था, वीआई ने किया था, लेकिन BSNL ने नहीं किया था, क्योंकि BSNL को एक आप लोगों को पता है कि एक सरकारी कंपनी, उनको ऐसे ही यहाँ पर स्पेक्ट्रम मिल जाता है, उनको 3G के अंदर भी ऐसे स्पेक्ट्रम मिल गया क्योंकि वो गवर्नमेंट कंपनी है, 4G के अंदर भी मिल गया और 5G के अंदर भी मिलने वाला है। ठीक है, उनको स्पेक्ट्रम ऑप्शन के अंदर पार्ट लेने का यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो काफ़ी से लोग यहाँ पर मेरे को सवाल लोग पूछ रहे थे कि भाई कि BSNL 5G से बस कैसे लॉन्च करेगा, BSNL तो यहाँ पर 5G स्पेक्ट्रम ऑप्शन के अंदर तो यहाँ पर पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो भाई, BSNL एक सरकारी कंपनी है, उनका पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं, उनके लिए सरकार पहले से 5G स्पेक्ट्रम यहाँ पर उनके लिए अलग से बचा के रखा था। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि BSNL 5G के लिए BSNL को गवर्नर की तरफ से कौन सा स्पेक्ट्रम अभी दिया गया है। तो मैं आपको सबसे पहले स्पेक्ट्रम का नाम बताता हूँ। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 10 MHz वाले स्पेक्ट्रम जो है वो यहाँ पर 600 MHz वाले बैंड के साथ यहाँ पर ये वाले स्पेक्ट्रम को दिया गया है। 40 MHz वाले जो स्पेक्ट्रम है उसको 3300 MHz वाले जो यहाँ पर स्पेक्ट्रम बैंड है उसको यहाँ पर एलोकेट किया गया है, उसको दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पर जो 400 MHz वाले जो स्पेक्ट्रम है उसको 26 GHz वाले जो स्पेक्ट्रम बैंड है 5G सर्विस के लिए उसको भी यहाँ पर दिया गया है, और 700 MHz वाले जो स्पेक्ट्रम बैंड है उसको भी दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर स्पेक्ट्रम बैंड है 5G के लिए। ठीक है, और दोस्तों BSNL जो 5G सर्विस अभी जो लॉन्च करेगा वो यहाँ पर नॉन स्टैंडर्ड 5G प्रोवाइड करेगा, यानी कि जिस तरीके से अभी आपको एयरटेल और वीआई कंपनी आपको 5G सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, वीआई कंपनी अभी तक लॉन्च नहीं कर पाया अभी, लेकिन प्रोवाइड करेगा, वो भी यहाँ पर नॉन स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगा, एयरटेल नॉन स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहा है, उसी तरीके से BSNL का भी 5G आपको नॉन स्टैंडर्ड के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी यहाँ पर BSNL जो यहाँ पर सरकार से रिक्वेस्ट किया कि आप जो यहाँ पर स्पेक्ट्रम बैंड जो हमको दिया है वो यहाँ पर अच्छा है, नो डाउट यहाँ पर काफ़ी
सर्विस पावरफुल स्पेक्ट्रम एपर गवर्नमेंट बीएसएनएल के लिए बचा के रखा था और एपर गवर्नमेंट ने उनको दिया है, लेकिन बीएसएनएल कह रहा है कि हमको और भी ज़्यादा स्पेक्ट्रम की ज़रूरत है, तो हमको जितने भी स्पेक्ट्रम आपने यहाँ पर एलोकेट किया है वो डबल चाहिए हमको, ठीक है। तो हम लोग और भी अच्छी तरीके से सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कर पाएंगे और लोगों को सही इंटरनेट का स्पीड भी प्रोवाइड कर पाएंगे, सही यहाँ पर 5G का जो यहाँ पर जो मज़ा जो लोग यहाँ पर ले पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट को जो है यहाँ पर बीएसएनएल ने रिक्वेस्ट किया है, और जो कि हमारा जो यहाँ पर मिनिस्ट्री है देव सिंह चौहान जी, उन्होंने यहाँ पर लोकसभा के अंदर बातें रखा है। अभी देखते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कुछ चीज़ यहाँ पर करते हैं, और बीएसएनएल को 5G सर्विस चलाने के लिए बीएसएनएल को यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम जो यहाँ पर अभी यहाँ पर दे देगा, और बीएसएनएल अभी टाटा ग्रुप का टीसीएस कंपनी को कहा है कि आप अभी 5G का जो यहाँ पर टेस्टिंग जो उसको अभी चालू कर दीजिए, क्योंकि हमको अभी स्पेक्ट्रम अभी मिल गया। तो अभी बहुत ही जल्दी 5G का जो यहाँ पर टेस्टिंग जो अभी टाटा ग्रुप का टीसीएस कंपनी बीएसएनएल के लिए अभी करने वाला है, उसके बारे में हमारे पास अपडेट आएगा तो मैं आपको और बताऊंगा। और आप लोगों को पता है कि बीएसएनएल 4G के ऊपर भी काम चालू है। आप में से काफी सारे लोग यहाँ पर मुझे सवाल करके पूछते हैं भाई बीएसएनएल का 4G कब आएगा हमारे एरिया के अंदर। तो दोस्तों बीएसएनएल का 4G आपको जनवरी फरवरी तक आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ठीक है। क्योंकि टाटा ग्रुप का टीसीएस कंपनी काफ़ी जल्दी जल्दी उनके टावर को अपग्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 1 लाख से भी ज़्यादा टावर के ऊपर अभी काम कर रहा है टाटा ग्रुप का टीसीएस कंपनी बीएसएनएल 4G सर्विस लॉन्च करने के लिए। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, बीएसएनएल का 4G आपको जनवरी फरवरी तक आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और बीएसएनएल का 5G जो आपको 15 अगस्त 2023 साल से आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हमारा आईटी मिनिस्ट्री है इसने भी वैष्णव जी ने यहाँ पर अनाउंस किया था, जिसके बारे में मैंने आपको का पर अपडेट बताया था। और आपको जो 5G है आपको 15 अगस्त 2023 साल से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, और बीएसएनएल 5G के लिए बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम भी मिल गया है गवर्नमेंट की तरफ से बीएसएनएल को, जिसके ऊपर अभी 5G का जो रोल आउट की जो टेस्टिंग जो काफ़ी जल्दी अभी करने वाला टाटा ग्रुप का टीसीएस कंपनी बीएसएनएल यहाँ पर टाटा ग्रुप का टीसीएस कंपनी को अभी परमिशन दे दिया उनके 5G सर्विस को टेस्टिंग के लिए। उसका रिजल्ट मैं आपको बहुत ही जल्दी बताऊंगा, जैसे यहाँ पर 5G का यहाँ पर जो यहाँ पर टेस्टिंग कंप्लीट होता है मैं आपको बताऊंगा कि कितने स्पीड है अभी यहाँ पर हासिल किया है बीएसएनएल 5G के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर गवर्नमेंट के पास है बीएसएनएल ने रिक्वेस्ट किया है, देखते हैं अभी गवर्नमेंट क्या कुछ चीज़ करते हैं, उनको डबल स्पेक्ट्रम देते हैं कि नहीं। अगर देते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली वीडियो बना के बताऊँगा। तो उसके लिए अभी तक हमारा चैनल के अंदर आप पहली बार हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास देखिए, जो भी नोटिफिकेशन है उसको ऑल में प्रेस करके रख देना, क्योंकि इस तरीके का टेलीकॉम का ऑफर अपडेट न्यूज़ में आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर लाता रहता हूं। तो सबसे पहले आपको ऑफर अपडेट न्यूज़ मिल जाएंगे। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के कमेंट करके बताना, वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर के साथ, और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।